हाय एवरीवन वेलकम टू ट्यूटोरियल्स आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी तो वंस अगेन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से रिवीजन क्रैश कोर्स में जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने आप सभी बच्चों के लिए सेवन टेंथ एट और नाइन्थ के लिए तीनों स्टैंडर्ड के बच्चों लिए, के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स लॉन्च किया जिसको हम आरसी कहते हैं और इसमें हम साइंस और मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी रिवाइज करा चुके हैं और आगे भी रिवाइज कराते रहेंगे ठीक है तो मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो टारगेट है हमारा दिवाली के पहले जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं वो हमारा टारगेट है तो कई सारे बच्चों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुके हैं बहुत सारे बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं तो यार जो मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं उम्मीद करता हूं आप लोग को हेल्प हो रहे होंगे वैसे तो एंटायर सिलेबस ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस के रूप में प्रेजेंट है आप जब चाहे उसको ओपन करके देख सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो या आप लोग के लिए रिविजन वीडियो है तो एक ही वीडियो के अंदर लगभग बीस पच्चीस मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर्स को हम रिवाइज कर रहे होंगे तो जरूर से आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देखना आप लोग चैप्टर रिवाइज हो जाएगा चैप्टर का नाम क्या पढ़ना है एथ स्टैंडर्ड के लिए साइंस का जिसका नाम है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ मैटर जी हाँ दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चैप्टर मैटर समझेंगे मैटर क्या होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है ये सभी चीज को बारीकी से देखेंगे तो चलो फटाफट तरीके से रिवाइज हम कराते हैं आप सभी को ठीक है चलो तो रिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो चीज होता है वो हम लोग को समझना पड़ेगा सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की वट डू मीन मैटर मैटर इज एनीथिंग दट हू बाई स्पेस वी नो दैट कि मैटर कोई भी चीज हो सकता है ये मेरा पेंसिल जो मैंने पकड़ा हुआ है पेन जो पकड़ा हुआ है मैंने जो यहाँ पे कोट पहना हुआ है ठीक है मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं ये हर एक चीज क्या है एक मैटर है ये हर एक चीज दुनिया में जो भी चीज एक छोटा छोटा धूल का पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल होता है वो भी एक मैटर है तो मैटर एक ऐसा चीज है जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है दैट इज नथिंग बट स्पेस दैट ऑक्युपाई स्पेस दैट इज नथिंग बट मैटर तो मैटर जो होते हैं वो जनरली तीन टाइप के होते हैं एक होता है सॉलिड एक होता है लिक्विड एक होता है गैसेस तीन टाइप के मैटर हो सकते हैं मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर तीन टाइप के होते हैं इसके अलावा भी देखा जाए तो एक वैक्यूम होता है प्लाज्मा होता है लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते फिलहाल में जब हम हायर स्टैंडर्ड जब हम एकदम ज्यादा रिसर्च के फील्ड में होंगे तब ज्यादा और डिस्कस करेंगे लेकिन हम नॉर्मल तौर पर पढ़ाई करें तो देर आर स्टेट्स ऑफ मैटर देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एक होता है सॉलिड एक होता है लिक्विड एक होता है गैस ये होता क्या इसको डिस्कस करेंगे ये ऑलरेडी आपको पता होगा सॉलिड मतलब कोई भी चीज जब हार्ड होती है ठीक है हार्ड होती है कड़क होती है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड मतलब कोई भी चीज सॉलिड हो सकती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कोई चीज सॉलिड कभी जैसे मेरे पास में ये पेन है ठीक है मेरे पास कोई रबर है ठीक है ना आप लोग का जो बेसिक चीज आप लोग यूज करते हो आप लोग का जो ड्रेस यूनिफॉर्म है ये सभी चीज कड़क चीज है सॉलिड चीज इवन आप बॉल खेलते हो क्रिकेट बॉल एक बैट हो गया आपका ये सभी चीज आपके लिए क्या है सॉलिड है तो सॉलिड मतलब कोई भी ऐसा चीज जो हार्ड हो जो स्ट्रांग हो क्यों हार्ड और स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है इंटर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज जो होते हैं यानी उनके बीच में बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों स्ट्रॉग होते हैं बस ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है डू मीन सॉलिड सॉलिड मतलब एक ऐसा मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वाई वो जो मटेरियल होगा वो एक कड़क मटेरियल होगा वो एक हार्ड मटेरियल होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लकड़ी ले लो लकड़ी है मेरे पास मतलब स्केल है ये लकड़ी है तो जो कि कितना है आप देखोगे तो हार्ड सॉलिड है तो ये क्या है सॉलिड क्योंकि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे अब ऑब्वियसली आप जानते होंगे मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है जो एटम्स होता है बहुत ही छोटा हिस्सा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो बहुत सारे एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है तो इसके अंदर भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे करेक्ट है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एकदम टाइटली अरेंज है एकदम स्ट्रॉगली अरेंज है जो इंटर मोलिकुलर यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये क्या कहलाएगा सॉलिड कहलाएगा ठीक है वैसे ही दूसरा लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होता है जैसे लिक्विड जो होता है नॉर्मली क्या होता है फ्लुड होता है यानी कि तरल होता है तरल जैसे पानी पानी को छू तो फ्लो हो सकता है तेल तो वो भी लिक्विड है ऑयल लिक्विड है पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब क्या है 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 लिक्विड लिक्विड ठीक ना तो होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी बोल सकते हो पानी ले लो ठीक है ना वॉटर पेट्रोल ठीक है ना कोई दूसरा ऑयल ये सभी चीज क्या है आपके लिए क्या है वो लिक्विड है ठीक है और इसमें भी क्या होता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना ये लिक्विड क्यों है क्योंकि इसके बीच में दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों थोड़े से वीक होते मतलब आप क्या बोल सकते हैं मॉडरेटली स्ट्रांग होते हैं मॉडरेटली मतलब थोड़े से वीक हो गए एज कंपेयर टू सॉलिड मॉडरेटली स्ट्रांग होते हैं इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जैसे हमने सॉलिड का बताया था सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को एकदम चिपके होंगे एकदम चिपके होंगे ठीक है ना ये पूरा पैक होगा लेकिन जो लिक्विड होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स एक, एक यहाँ पे होंगे एक यहाँ पे होंगे एक यहाँ पे मतलब इनके बीच में गैप होगा मतलब जो इंटर मॉलिक्यूल्स है जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के बीच में वो एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड उससे थोड़े वीक है इसीलिए लिक्विड जो थे वो फ्लो हो सकते हैं फ्लुइड है ना हाथ में छू तो फ्लो हो सकता है वो पानी एक जगह टिकता नहीं है निकल जाता है उसके बोलते हैं लिक्विड और तीसरा चीज है गैस जैसे कि आप जानते होंगे गैस का मतलब ठीक तो है तो पार्टीशन मार लेते हैं यहां से गैस का मतलब भी आप जानते ही होंगे गैस का मतलब क्या होता है कोई भी चीज ठीक है जब वेपराइज हो सकती है मतलब अगर इसको वर्ड्स तो मैं नहीं बता सकता लेकिन गैस का मतलब एक ऐसा चीज जो हर जगह प्रेजेंट है जैसे हमारे इधर एटमोस्फियर है इसमें हवा प्रेजेंट है एयर ये भी एक गैस है हमारे गैस सिलेंडर हमारा जो सिलेंडर है जिससे हम खाना बनाते हैं एलपीजी वो भी क्या है एक गैस है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर आपका हवा ये सब क्या है गैस है ठीक है ना आपका ऑक्सीजन ये क्या है ये सब गैस है ठीक है ना और इसका जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होता है दोस्तों इंटर मोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो क्या होता है वीक होता है क्यों वीक होता है क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे समझ लो कोई एक आ, मैंने गैस का मॉलिक्यूल ले लिया गैस का एक वॉल्यूम ले लिया तो उसके अंदर एक पार्टिकल इधर है एक मॉलिक्यूल इधर है दूसरा इधर होगा तीसरा इधर होगा तो इसीलिए जो गैस होता है गैस का एक नेचर होता है कि वो फटाफट दूर भागता है एक दूसरे से क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए जो इंटर मॉलिकुलर यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मोलिकुलर के बीच में जो फोर्स होनी चाहिए अट्रैक्शन की यानी चिपकने की जो फोर्स होती है वो बिल्कुल नहीं है बहुत ज्यादा वीक होता है इसीलिए जो भी गैस निकलता है कहीं से भी तो वो दूर भागता है सामने नहीं, नहीं रहता आपने देखा है कभी कोई भी गैस जैसे गैस होता है हमारे गैस के अंदर गैस सिलेंडर के अंदर गैस होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो जब भी वो लीक होती है ना तो वो गैस फैल जाती है वो एक जगह पे रुकती नहीं है वो फैल जाती है और ये एक तरीके से अच्छा भी है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं गैस तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा वॉट स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड क्या होता है लिक्विड क्या होता है गैस क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया अब इसके अलावा और तीन चीजें हम लोगों इसको फटाफट पढ़ना है सबसे पहला जो चीज है वो है दोस्तों हमारे लिए एलिमेंट एलिमेंट क्या है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है ये एक ऐसा सब्सटेंस है ये क्या है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन टाइप एक टाइप का कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ठीक है अब इसका मतलब क्या हो गया एलिमेंट का मतलब कोई भी चीज हो सकती है एलिमेंट एलिमेंट मतलब क्या कि कोई ऐसा चीज जिसके अंदर सिर्फ वही प्रेजेंट है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एक मेट एक एलिमेंट है ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है अब ऑक्सीजन के अंदर और कुछ हो सकता है कि नहीं नहीं वो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं आयरन लोहा आयरन आप जानते हो लोहा लोखंड बोलते हैं लोखंड आयरन लोहा तो जो लोहा है ना वो सिर्फ लोहा ही है उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है मिली हुई कोई और मिलावट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं तो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हमारा आयरन गोल्ड सिल्वर जो कान के झुमके पहनते हो आप लोग लड़की लोग गोल्ड सिल्वर ठीक है ना ये सभी चीज क्या है क्या है

कि एलिमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद ही रहेगा जैसे ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही है तो एक एलिमेंट हो गया ठीक है ना ये क्या है एक एलिमेंट है धातु बोल सकते बेटर से मेटल को बोलते धातु देखा जाए तो एलिमेंट दुनिया में एक ऐसा सब्सटेंस है जो वो खुद क्या कॉन्स्टिट्यूएंट खुद ही है ऐसा एलिमेंट ठीक है ना कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फरस मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन ठीक है ना हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन ये सभी चीज के एलिमेंट है लेकिन अगर यही जो एलिमेंट है ये एक या दो मिल जाए आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वो एक नया चीज बना देंगे जिसको बोलते हैं कंपाउंड तो कंपाउंड क्या है एक ऐसा सब्सटेंस ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट आके मिल गए और एक नया चीज बना ले तो वो नया चीज जो बनेगा वो कंपाउंड बनेगा तो हो सकता है वो दो एलिमेंट मिलकर बना रहे हो हो सकता है तीन एलिमेंट मिलकर बना रहे हो हो सकता है चार एलिमेंट मिलकर बना रहे हो बना रहे तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जैसे वाटर एग्जाम्पल के तौर पर पानी पानी क्या है एच तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो so, H2 मतलब हाइड्रोजन O मतलब ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिले तब जाके कंपाउंड बन गया वाटर तो so, पानी जो होता है ना पानी एक कंपाउंड है पानी क्या है एक कंपाउंड है जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है वैसे कई सारे और कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है एनएसीएल सोडियम क्लोराइड जो नमक खाते हो आप लोग आपके घर में सब्जी में नमक डालते हैं एनएसीएल सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाए कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं निकालते हैं ना बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है तो ये सभी क्या है ये कंपाउंड्स है विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स समझ में आ गया क्लियर है ठीक है अब तीसरा चीज है मिक्सचर अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है अब मिक्सचर मतलब कोई भी चीज हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर यह एक ऐसा सब्सटेंस है एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ विच इज मेड अप ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब कोई भी दूसरे चीज को मिला के बना के मिक्स करके बना सकते जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग भेल खाते हो भेल आपने ट्रेन में कभी भेल खाया है क्या भेल में क्या होता है भेल में कुरमुरा होता है ठीक है नमकीन होती है थोड़ा सा नींबू डालते हैं थोड़ा सा आ, क्या बोलते हैं उसको पापड़ी जैसा रहता है कुछ तो वो डालते हैं और भी बहुत सारी चीज कांधा डालते हैं थोड़ा सा मिर्ची डाल देते हैं और उसको मिक्स करके देते हैं दैट इज इज नथिंग बट भेल भेल तो मिक्सचर कोई भी चीज का मिलावट मिक्सचर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूध आप दूध पीते हो दूध अब दूध जो है वो भी एक मिक्सचर है क्योंकि दूध जो है ये कई सारे चीज से मिलके बना है उसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है दूध जो है उसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है उसके अंदर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें अलग से लोग पानी मिलाते हैं उसमें दूध 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 में में वाले भैया क्या करते हैं हैं पानी मिलाते है, तो उसमें पानी भी प्रेजेंट है तो तो ये क्या हो गया? हो गया गया एक मिक्सचर ऐसे कई अनगिनत चीजें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज हो सकता है वो एलिमेंट ही हो हो सकता है और भी कई सारे और चीज हो जो मिलाते हैं जिससे नई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं मिक्सचर समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूं कि तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बॉडू मीन बाय एलिमेंट वट डू मीन compound कंपाउंड एंड वट डू मीन बाई मिक्सर तो उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स हमने फटाफट तरीके से आपको रिवाइज करा दिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ठीक है अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट से अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट तो एलिमेंट जो हमने पढ़ा कि एलिमेंट क्या खुद का एक है कॉन्स्टिटुएंट है जैसे कार्बन हमने बोला हाइड्रोज बोला हिलियम बोला लिथियम बोला बेलियम बोला क्लोरिन बोला सोडियम बोला गोल्ड सिल्वर ये सब क्या एलिमेंट है तो एलिमेंट के तीन टाइप होते हैं एलिमेंट जो है वो तीन हिस्सों में क्लासीफाई हुआ है एक होता है मेटल्स दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स ये तीनों चीज क्या है इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है जैसा कि कि आप जानते होंगे चैप्टर चैप्टर नंबर आई गेस मेटल्स मेटल्स नॉन एंड ऐसे करके है ऑलरेडी मैंने रिवाइज करा दिया और चैप्टर पढ़ा के भी रखा है तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब जो हम पढ़ा रहे आरसीसी के अंदर वो रिविजन वीडियो से ऑलरेडी पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का हमने पढ़ा रखा है एट्स तो सेवेंथ एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्थ सभी बच्चों के लिए तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए और आप खुद भी पढ़ सकते हो ठीक है थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वन पॉइंट टू फाइव या वन पॉइंट फाइव की स्पीड से हमारे वीडियो देख सकते हो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो मेटल्स क्या है ये क्या है मेटल्स एक ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि उसके अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स जो होते हैं वो कड़क होते हैं मेटल्स के पास गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ठीक है ना गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के बाद मेटल्स के पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ये सभी चीज एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ठीक है ना समझ में आना और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हम सब नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर आपको एक डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो मेटल क्या है जैसे मैंने बोला एलिमेंट एक ऐसा चीज है जो खुद का कॉन्स्टिटुएंट उसके अंदर प्रेजेंट है और कोई चीज़ का मिलावट नहीं है ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि मेटल्स एक ऐसे चीज होती है जिनके पास हार्डनेस होती है मतलब कोई कड़क चीज जो है वो मेटल है जनरली अब जैसे कड़क चीज आपका गोल्ड कड़क चीज है सिल्वर कड़क चीज है आयरन कड़क है एल्यूमिनियम कॉपर ये सब क्या है मेटल्स है लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो तो थोड़े नरम होते हैं जैसे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया मर्क्यूरी हो गया वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं ज्यादातर जो क्या होते हैं ज्यादातर जा, जो मेटल्स uh, जो होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड के फॉर्म में होते हैं लेकिन uh, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको लिक्विड के फॉर्म में देखने मिल जाएंगे दूसरा गुड कंडक्टर होते हैं मतलब उसके अंदर से बिजली अच्छी तरीके से पास हो सकती है इसलिए हमारे जितने वायर है वो कॉपर से बनते हैं कॉपर क्या मेटल है एल्यूमिनियम क्या मेटल है उसमें से बिजली पास हो सकती है हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं बर्तन हमारे किससे बनते हैं मेटल से ही बनते हैं चाहे वो एल्यूनियम हो चाहे वो कॉपर के हो चाहे वो स्टील के हो ये सब क्या है मेटल्स होते हैं ठीक है ना मेलेबिलिटी मतलब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि उसको आप अगर ठोकोगे तो पतला शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए हम लोग को शीट्स जो भी बनाना होता है वो मेटल्स का बनता है डक्टिलिटी वायर जो बनता है वो ऑब्वियसली किससे बनता है ये सब मेटल से बनता है तो उम्मीद करता हूं कि मेटल्स आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स का मतलब क्या है ये जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो मेटल्स में होती है समझ में आ रहा है क्लियर है कि नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है, है हमारा नॉन मेटल्स अब नॉन मेटल्स क्या है नॉन मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जनरली ब्रिटल होते हैं ब्रिटल मतलब क्या टूट फूट जाएंगे जैसे इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा ना मैंने एग्जाम्पल लिख लो मेटल्स के एग्जाम्पल लिख दो आ, आ, क्या बोलते हैं उसको एल्यूमिनियम लिख लो कॉपर लिख लो ठीक है गोल्ड लिख लो गोल्ड को लिखते हैं हम लोग किस में और एयू गोल्ड एयू होता है सिल्वर ए होता है ठीक है ना ये सब क्या है एग्जाम्पल है वैसे नॉन मेटल्स क्या होते 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 हैं 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 ये नरम होते, ब्रिटल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन एग्जाम्पल क्या है इसका कार्बन तो कार्बन को अगर आप देखोगे कार्बन कोयला आपका देख लो मार दो थोड़ा टूट जाएगा क्या हो जाएगा बिखर जाएगा क्यों क्योंकि ब्रिटल होता है इसके अलावा इसके अंदर कोई भी वेलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है बैड कंडक्टर होते हैं इसमें से बिजली और हीट जो है वो पास नहीं हो सकता बैड कंडक्टर होते हैं ठीक है ना यहाँ पे लिखो बैड कंडक्टर होते हैं बिजली पानी इसमें से पास नहीं हो सकता ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन ले लो ऑक्सीजन ले लो ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं तो अगर आपने देखा सॉलिड के, के केस में तो सॉलिड में कार्बन हो गया फास्फोरस हो गया ये सब सॉलिड के एग्जांपल है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब क्या है लिक्विड के एग्जांपल है तो ये आप लोग याद रखिएगा ठीक है वैसे होता है मेटलॉइड्स तो मेटलॉइड्स क्या होता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती है एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती है इसके अंदर मतलब एक, एक मिक्सर एक तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज का इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है याद रखना सिलिकॉन ठीक है तो सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ये सब याद रख रखेंगे आप लोग ठीक है समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूं कि व्हाट डू मीन बाय मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटल्ड जो आपको क्लियर हो गया हुआ? मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है तो ये था टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगला है टाइप्स ऑफ कंपाउंड तो जो हमने कंपाउंड स्टडी किया कंपाउंड का मतलब क्या था दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर ठीक है ना दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट जब साथ में कंबाइन होते हैं तो बनता है कंपाउंड तो कंपाउंड जनरली तीन टाइप के होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो, तो का का क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या का होता है कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है और वो जब कंबेशन होता है मतलब जब वो जलता है उस कंपाउंड को जब भी आप हीट करोगे जलाओगे तो नीचे हम लोग को क्या मिलेगा नीचे मतलब जलने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को काला काला कलर का कार्बन पार्टिकल मिलेगा क्या मिलेगा ब्लैक कार्बन उसका बचा हुआ मिलेगा उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो ठीक है ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आप जलाओ जैसे हाइड्रोकार्बन्स में पेट्रोल हो गया केरोसिन हो गया आपने कभी देखा पहले ज़माने में लाइट वगैरह जाती थी तो लोग लालटेन जलाते थे तो उसमें केरोसिन लगता था रॉकेल बोलते रॉकेल केरोसिन मिट्टी का तेल बोलते तो उससे स्टोव पे खाना भी बनता था चूल्हे पे स्टोव पे वो ऐसा मार मार के बनाते थे मम्मी लोग को पूछना कभी आइडिया रहेगा उनको तो वो केरोसिन जब भी जलेगा तो ब्लैक कलर का फ्लेम मतलब आ, फ्लेम तो आग जैसा ही निकलेगा लेकिन उसके बाद क्या होता है ब्लैक कलर का उसमें से धुआं निकलता है तो दैट इज नथिंग बट द कार्बन मतलब जो चीज जलने के बाद कार्बन निकाल रहा है एज ए रेसिड्यू तो वो आपका क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या हो जाएगा जो जलने के बाद या फिर डिकम्पोज करने के बाद जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक रेसिड्यू मिलता है कुछ भी बचा हुआ चीज मिलता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन सॉल्ट कभी कभी अपने नमक को जलाया नमक ले लेना और उसको जलाओ तो वो पूरा एकदम क्रिस्टलाइज होकर वो एकदम कुछ तो बच जाएगा जला हुआ लाइम मतलब चूना चूना पत्थर बोलते हैं ये सबको दिखा मतलब जलाओगे हीट करोगे तो हमें एक रेसिड्यू मिल जाएगा यानी कि कुछ बचा हुआ चीजें मिल जाएगी तीसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीसरा टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से पता चलेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेट होगा मतलब कंपाउंड जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो बहुत सारे एटम से मिलके बने होंगे बहुत सारे अलग अलग एटम से मिलके बने होंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या होता है प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्यों बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उस क्लोरोफिल पिगमेंट में बहुत सारी चीजें होती है जैसे मैग्नीशियम हो गया और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है इसके लिए क्लोरोफिल हो गया हेमोग्लोबिन हो गया हमारे खून में हेमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है तो कई सारे और चीजें प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं तो क्लियर है तो उम्मीद करता हूं टाइप्स ऑफ एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड आपको दोनों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा और अच्छे तरीके से हमने रिवाइज कराने की कोशिश की है ठीक है अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ा टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा वैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी पढ़ना है तो मिक्सचर जो होता है जनरली दो टाइप का होता है याद रखना एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर

तो ये क्या है एक होमोजेनियस मिक्सचर है मतलब जिसमें आप लोग का जो भी कॉन्स्टिट्यूंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ मिलके कुछ अलग ना दिखे वो सेम टू सेम दिखे दैट इज नथिंग बट द होमोजेनियस मिक्सचर वैसे ही हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो इसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है नॉट कंप्लीटली मिक्स ठीक है ना नॉट कंप्लीटली मिक्स इसका एग्जाम्पल भेल याद रखो ठीक है ना भेल जो होता है जिसमें आपका कुरमुरा होता है ठीक है ना लेमन होता है इसके अंदर सॉल्ट होता है ठीक है तो क्या ये सब मिक्स होने के बाद वो एक जैसा दिखता है क्या नहीं आप भेल को अगर आप बनाओगे जैसे भेल वाला आता है भेल बना के देता है हमको तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुरुरा है ये इसमें नमकीन के पीसेस है ये चलो नींबू तो चलो पानी है तो मिक्स हो गया ये सॉल्ट है मिक्स हो गया लेकिन बहुत सारी चीजें मिर्ची कांदा ये सब चीज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मतलब वो मिक्सचर तो है लेकिन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है अलग अलग चीज का मिक्सचर है समझ में आ गया तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैसे कई सारे और एक्साम्पल्स है तो आपको बताया था बहुत सारी चीजें तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आ गया ये तो रिविजन इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से फटाफट -पट तौर पर हम रिवाइज भी करा पा रहे ठीक है क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है सोल्यूशन वट डू मीन बाय सोल्यूशन देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है अ अमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस यानी दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिल गए एक दूसरे से मिक्स हो गए और इस प्रकार मिक्स हो गए कि पता ही नहीं चला कि भैया उसके अंदर दो अलग अलग चीजें हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं सोल्यूशन का तो नीचे लेता हूं पहले देखो यहां पर देखना अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं सोल्यूशन का जैसे पानी के अंदर अगर मैंने शुगर ले लिया ठीक है तो ये क्या बन जाएगा शुगर शुगर क्या बन जाएगा ध्यान से सुनना जो मैं भी बताने जा रहा हूं मान लो आपने क्या किया कांच का ग्लास लिया उसमें पानी डाल दिया अब उसमें आप एक चम्मच शक्कर डाल दो तो जब आप पानी के अंदर एक चम्मच शक्कर डालोगे तो वो शक्कर आपको दिखेगा लेकिन जैसे ही आप उसको चम्मच से गोल 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 घुमाओ विद इन वन और टू मिनट्स वो पूरा शक्कर एक दूसरे को क्या कर देंगे डिजोल्व कर देंगे मतलब शुगर जो है पूरा उसमें से गायब हो जाएगा और पानी के अंदर अपना जो मिठास है वो छोड़ देगा अब आप वो पानी पियोगे तो आपको पानी मीठा लगेगा करेक्ट है लेकिन उस पानी को अगर मैं अभी रखू उसमें जिसमें जो शक्कर था जो चीनी था वो पूरा घुल गया वो पूरा डिजोल्व हो गया अब उस पानी को जब आप देखोगे तो आप क्या बता सकते हो कि इसमें शुगर अलग था और पानी अलग था नहीं बता सकते आप सीधा क्या बोलोगे ये एक पानी है वो तो पियोगे तो पता चलेगा कि मीठा पानी है मतलब इसमें शक्कर डाला हुआ है लेकिन देख के बता सकते हो क्या कि ये शुगर पानी है नहीं बता सकते क्यों क्योंकि अब बन बन गया है, वो क्या बन गया है है वो वो क्या एक सोल्यूशन का डेफिनेशन वही था कि जिसमें एक दो दो से ज्यादा बहुत सारी चीजें अगर मिली हो और वो मिक्स इस प्रकार हो जाए मतलब होमोजिनियस तौर पर मिक्स हो जाए जैसे मैंने बताया होमोजिनियस का कि मिक्स मक्ष एक बन जाए पता ना चले कि वो एक ही है ठीक है तो मिक्स बन के एक ही बन जा रहा है अब मान लो पानी है पानी के अंदर आप शक्कर डाल दो थोड़ा नमक भी डाल दो और मिक्स कर दो, तो तो दो चीज और सोलवेंट और एक होता है सोल्यूट तो सोलवेंट क्या रहेगा आपका पानी जो मेन चीज है जिसमें चीजें मिलाई जा रही है वो होता है सोलवेंट और जो चीज मिलाई जा रही है वो होता है सोल्यूट तो सुगर सोल्यूशन के अंदर सुगर सोल्यूशन के अंदर मान लो जो चीज में आप चीजें डाल रहे हो तो मेन क्या है आपका पानी तो पानी क्या है आपका सोलवेंट मतलब जिसमें चीजें होगी शक्कर के अंदर पानी नहीं हुआ पानी के अंदर शक्कर हुआ तो तो पानी मेरे लिए क्या है है तो जिसके अंदर जो चीज डिजोल्व हो रही है उसको सोलवेंट बोलते हैं और जो चीज डिजॉल्व हो रही है उसको सोल्यूट बोलते हैं यहां पर शक्कर डिजॉल्व हुआ इसके लिए उसको बोलते हैं सोल्यूट याद रहेगा क्लियर बहुत ही मस्त और बेहतरीन टॉपिक था उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा ठीक है क्लियर है चलो नेक्स्ट है सस्पेंशन सस्पेंशन का मतलब क्या होता है मान लो कि कोई ऐसा चीज है दो या फिर दो से ज्यादा चीज जिसमें से हो सकता है एक चीज सॉलिड हो एक, एक हो सकता है लिक्विड हो एक चीज सॉलिड एक चीज लिक्विड तो उस चीज को हम लोग सस्पेंशन बोलेंगे जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जैसे हमने ऊपर क्या लिया आपने लिया शुगर सोल्यूशन अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं सोलवेंट ले रहा हूं पेट्रोल सोलवेंट ले रहा हूं पेट्रोल और सोल्यूट जो चीज मुझे डालना है उसके अंदर वो मैं ले रहा हूं शक्कर शुगर तो ये क्या बन जाएगा पेट्रोल और शुगर का एक मिक्सर हो जाएगा आप उसको मॉस्ट पैके घोलो 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 तो क्या आपका शक्कर पेट्रोल के अंदर डिजोल्व होगा नहीं होगा करके देख लेना पेट्रोल अगर आपके पास अगर गाड़ी में मम्मी पापा के बाइक में गाड़ी गाड़ी में होगा थोड़ा सा पेट्रोल पापा को बोलो निकाल के दो एक ग्लास में ले लो ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में ले लेना उसमें एक चम्मच शक्कर डालना और उसको मिक्स करने की कोशिश करना वो शक्कर मिक्स नहीं होगा वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा तो वो क्यों सेटल हुआ क्योंकि वो एक था हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें दोनों चीज मिल तो गए लेकिन वो दोनों चीज अलग अलग भी है उसमें वो एक ही बन नहीं गए वो होमोजिनियस नहीं हुए वो हैोजीनियस है अलग अलग चीज का मिक्सर है तो दैट इज नथिंग बट योर सस्पेंशन उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सस्पेंशन बोलेंगे ठीक है पेट्रोल जब शुगर के साथ मिक्स हो रहा है ऐसे सस्पेंशन ऐसे कई सारे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको हमारे डे टू डे लाइफ में जो एक सस्पेंशन होता है जिसमें कोई चीज सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होते वो अलग अलग ही रहते हैं ठीक है suspension. तो उम्मीद करता जो कुछ बचे हुए मोलिकुलर फॉर्मूला है, है तो ये क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब क्या होता है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया क्या बताया कि मान लो कि मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये एक कंपाउंड है हम लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे तो हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सी ओ टू तो ये जो सी ओ टू जो लिखा है मैंने ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई भी चीज जब थियोराटिकल होती है जब उसका हम लोग फॉर्मूले के तौर पर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे कई सारे और मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं जैसे वॉटर ठीक है जैसे सॉल्ट ठीक है जैसे आ, और क्या बोल सकता हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे बेकिंग सोडा ठीक है ये कुछ एग्जांपल है ये कुछ एग्जांपल है अब पानी का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों H2O तो उसको मैंने क्या लिखा पानी को मैं एच के तौर पर लिख पा रहा हूं तो एच टू ओ जो रहेगा वो मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला सोल्ट को कैसे लिखते हैं एन सोडियम क्लोराइड ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप कैसे लिखते हो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बेकिंग सोडा क्या होता है एन ए एच सी ओ थ्री ये होता है बेकिंग सोडा तो इस प्रकार से जब आप चीजें लिखते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला ठीक है अब एक चीज है वैलेंसी अब इसको कैसे निकालते हैं वो भी आपको मैं बताता हूं मान लो आपको किसी चीज का मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा है तो आप निकालोगे कैसे वो भी बताऊंगा लेकिन उसके पहले आपको वैलेंसी पता होना चाहिए तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है एक चैप्टर था इन साइड तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है वैलेंसी के लिए आप लोग को दो चीज पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए उस चीज का एटॉमिक नंबर उस चीज का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन दो चीज आपको पता होना चाहिए तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग करते हैं यहां पे मेरे पास है सोडियम मेरे पास है सोडियम ठीक है तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है इलेवन ये हमने जब पढ़ाया था आपको इनसाइड द एटम के चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जब हमें बैलेंसी लिखना होता है उसके पहले हम क्या निकालते हैं उस चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है कोई भी एलिमेंट जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था ठीक है पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था चलो इसको हम लोग ना पूरा सर्कल ही बनाते हैं ये बेस्ट रहेगा एक दो और ये तीन वैसे तो चार होते हैं तो आपको मैंने बताया था अगर आपको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है नहीं आ다라고 होगा तो मैंने बताया था आप लोग को कि चार शेल होते हैं ये आपका न्यूक्लियस हो गया ठीक है इसका सोडियम की बात हो रही है हम क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन हम निकाल रहे हैं उस चीज का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ईसी बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन तो हमेशा याद रखना कि पहला जो शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं दूसरा शेल जो होता है एल होता है तीसरा एम होता है और चौथा एन होता है कितने शेल होते हैं के एल एम एन शेल होते हैं जिसमें पहले शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरे में एट तीसरे में एटीन चौथे में बत्तीस ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इलेवन क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है जैसे सोडियम का इलेवन है हाइड्रोजन का बन है मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपको प्रॉब्लम होता है कोई भी एलिमेंट्स uh, के एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए तो एक फंडा है एच एच ई लीबे बकनो ने नामा गलसीपेसिकलर के सी है साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन इडियट को निकाले कॉलेज जाकर दिस इज द शॉर्टकट मेथड जो कि मैंने क्रिएट किया है हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आप सर्च करो यूट्यूब पे जाके हाउ टू लर्न टेबल हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर बाय जे आर टूटोरियस आगे डालना बाय ट्यूटोरियल्स तो हमारे वीडियो आपको मिलेंगे तो एक बार वो वीडियो देखना जिसमें आपको तरीका मैंने बताया कि आप किस तरीके से हर एलिमेंट थर्टी थर्टी नंबर तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप याद रख सकते हो और उसके सिंबॉल से याद रख सकते हो एटॉमिक नंबर इलेवन है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से इसके अंदर इलेवन इलेक्ट्रॉन से तो पहले में कितने लिख सकते हैं हम लोग पहले में टू लिख सकते हैं तो टू इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा मतलब कैसे टू इलेक्ट्रॉन आएगा एक इधर एक इधर ये इलेक्ट्रॉन हो गया ई माइनस बोलते हैं हम लोग ठीक है ये इलेक्ट्रॉन हो गया दूसरे में क्या जा सकता है एट जा सकता है हमारे पास टोटल ग्यारह है बराबर तो पहले में टू चले गए दूसरे में क्या जा सकता है एट जा सकता है तो एट ड्रॉ कर लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो गए तो दूसरे में आठ हो गया अब इलेवन में से दो चला गया आठ चला गया मतलब दस चला गया तो कितना बच रहा है एक बच रहा है तो लास्ट में आ जाएगा वन मतलब थर्ड में आ गया वन तो एम में आ गया वन

उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है या तो जितना इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है उसको वैलेंसी बोलते हैं तो ऑक्टेट मतलब होता है आठ तो लास्ट में एट होना चाहिए इसके पास वन है तो यह अपने आप को एट बनाने के लिए किसी से सेवन लेगा लास्ट में क्या है इसके टू एट वन है ना लास्ट में वन है तो लास्ट में इसको एट बनाना है मतलब अगर वो एट रहेगा तो कंप्लीट है इसका शेल जो होगा लास्ट में एट होना चाहिए तो एट नहीं है ना भैया तो वो क्या करेगा किसी से सेवन लेगा मेरे पास एक रुपया है मैं किसी से सेवन लूंगा तब मैं एट रुपया मेरे पास आ जाएगा

है, पहले में 2 में 2 जाएगा, में जाएगा, जाएगा दूसरे और तीसरे तो 2, 8, 3 हो गया. इसका वैलेंसी कैसे आएगा, आएगा? पांच तो 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 दे तो लेना थ्री तो समझ तो में आया क्लियर है तो इस तरीके से निकालते तो अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के हेल्प से

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा टू कॉमा फोर तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी वैलेंसी कितनी हो जाएगी तो मेरा कार्बन का वैलेंसी कितना है फोर कार्बन का वैलेंसी कितना है फोर ठीक है ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे निकालोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालिए ऑक्सीजन का नंबर होता है एट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा टू कॉमा सिक्स लास्ट में तो किसी से टू ले लेगा आठ बनाने के लिए या तो अपना सिक्स दे देगा तो क्या इजी है दो लेना इजी है छह देना इजी है दो लेना इजी है मतलब मेरा बैलेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसी हो जाएगा टू तो ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना है टू उसके नीचे लिख दिया अब इसको करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सी के साथ टू जाएगा सी टू ओ के साथ फोर जाएगा सी टू ओ फोर ठीक है दोनों में टू कॉमन है मतलब डिवाइड बाई टू कर दो यहां पे डिवाइड बाय टू तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड बाय टू मतलब सी सी टू डिवाइड बाय टू तो सी टू डिवाइड बाय टू टू डेट पे भी वन हो जाएगा मतलब सी अकेला बचेगा सी अकेला बच गया ओ फोर है फोर डिवाइड बाय टू इज नथिंग बट टू तो सी ओ टू तो दिस इज यर पॉल्यूशन तो इस तरीके से आप कोई भी किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मुला निकाल सकते हो अगर आपको वैलेंसी निकालने आता है समझ में आ गया तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर से आप करा दिया। हर एक डिटेल में अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इसी के साथ आज का ये जो रिविजन वीडियो है हम लोग एंड करते हैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ के जरूर से कॉमेंट करके बताना फीडबैक जरूर से देना कि कैसा लगा ये वीडियो आपके लिए अगर पसंद आया है यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक कर देना शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, तो फटाफट पत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को भी प्रेस कर देना ठीक है दोस्तों तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय